जय श्री गणेश फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एकदम यूनिक चीज लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी तक बस राउंड बास्केट बनाई थी, अब सीखते हैं कुछ नया। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ये है कोकोनट लीफ। काउंटिंग में आपको 12 पीस लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक लीफ ली और इसको ये देखिए, एक छोड़कर एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से मैंने अरेंज किया है। सेकंड वाले को सेम उसी मैनर में करना है, बस ये देखना है कि पहले वाला अगर नीचे है तो उसको ऊपर वाले में रखना। इसी तरीके से 6 लीव्स को 6 लीव्स में क्रॉस वाइज अरेंज कर लीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बास्केट का साइज डिपेंड करता है कोकोनट लीफ पर। आपकी जैसी लीफ होगी वैसी ही बास्केट बनेगी। मैंने यहाँ लीव्स का साइज इसलिए मेजर नहीं किया है क्योंकि मेरे पास जितनी भी लीव्स थी मैंने सिर्फ उसका पतला हिस्सा हटाया है, बाकी की पूरी लीव्स को मैंने यूज़ किया हुआ है। ये बास्केट भी उतनी ही सिंपल है जितनी की राउंड बास्केट थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6-6 लीव्स को अरेंज कर लिया है क्रॉस वाइज। अब मुझे इसमें से जो बीच की दो लीव्स हैं, आप काउंट कर लीजिए साइड से 1 2 3 1 2 3 करके, जो बीच की दो लीव्स हैं उनको क्रॉस वाइज अरेंज करना है और फिर उसी तरीके से साइड वाली लीव्स को अरेंज करते हुए चले जाना है, जैसे कि हमने अभी चेक किया था। मैंने यहाँ चिमटी का इस्तेमाल किया है ताकि ये खुले ना। आप स्टेपलर या टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी साइड की लीव्स हमें अरेंज कर लेनी है। ये बास्केट जितनी देखने में सुंदर है उतनी बनाने में भी इजी है। ऐसा नहीं है कि इसको बनाना बहुत टफ हो। मैंने दो साइड सबका कंप्लीट कर लिया है। ये थर्ड साइड में बीच का दो लेना है, एक उठाना है साइड साइड से, उनको भी चेक वाइज अरेंज करते हुए चले जाना है। एक साइड मैंने टेप से लीव्स को चिपका लिया था ताकि ये मूव ना करें। बस वन साइड का रह गया है, ये भी जल्दी से करती हूँ। सेम मैनर में बाउल से बास्केट भी बनाई जाती है, उसकी वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी जल्दी से। ये हमारा चारों तरफ का कंप्लीट हो गया है। अब हमें इनको आपस में जोड़ना है। एक लीव्स ली, उसको अरेंज किया कि कहाँ किस तरीके से इसको अरेंज करना है, उसी तरीके से अरेंज करते चलिए और टाइट करते चलिए। ये बास्केट फ्रेंड ऐसी है कि अगर आपके पास कोकोनट लीफ नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको न्यूज़पेपर या फिर कोई भी हार्ड पेपर से बना सकते हैं, या फिर आपके पास थिन कार्डबोर्ड हो ना, पतला कार्डबोर्ड, उससे भी आप ये बना सकते हैं। इसी बास्केट को न्यूज़पेपर से कैसे बनाएंगे ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, एक वीडियो में बनाऊंगी इसके ऊपर। इस बास्केट को आपस में ये जोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस एक एक लीफ लेते जाइए, उसको अरेंज करते जाइए और टाइट करते जाइए। देखिए बाउल जैसा बनने लग गया है ना। इस बास्केट को ज़रूरी नहीं हम अपने किचन में यूज करें, आप एज अ शो पीस भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड में मैंने इनको आपस में जोड़ लिया है। इसी तरीके से जो ऊपर बची हुई लीव्स दिख रही हैं इनको भी हमें इसी तरीके से अरेंज करना है। सेकंड राउंड में ये सारी ही कंप्लीट हो जाएंगी, बस थोड़ी थोड़ी सी बचेंगी जिनको हमें बाद में अरेंज करना है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी राउंड बास्केट नहीं देखी है कोकोनट लीफ से बनी हुई, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं उसे। ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसको टाइट करना बाकी है। 1x1 लीफ खींचिए और टाइट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने शेप में आना स्टार्ट हो गई है। बचे हुए पार्ट को इस तरीके से अरेंज करके टाइट करके वहीं पर मोड़ कर उसको उसी में दबा देना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। ये देखिए, मैं फिर भी आपको कोशिश कर रही हूँ कि पूरे तरीके से दिखा सकूँ। इसी तरीके से मोड़ कर अंदर दबा देना है सारी लीव्स को 1x1 करके। जितनी भी बची हुई हैं ये, उनको एक मैनर में अरेंज करके जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं आप, उसी तरीके से। कोकोनट लीफ का इससे अच्छा यूज़ शायद ही आपको मिले। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बास्केट आप न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड या पॉलीथीन से भी बना सकते हैं।
घर में पड़ी वेस्ट नमकीन बिस्किट की पैकेट से। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रही है, हाफ कंप्लीट हो चुकी है मेरी बास्केट, बस कुछ को अरेंज करना बाकी रह गया है। इसी तरीके से सबको धीरे धीरे अरेंज करके वहीं का वहीं मोड़ कर दबा दीजिए। अगर आपको ये बास्केट पसंद आए तो शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। देखिए अभी से ही कितनी सुंदर लग रही है बास्केट। मैंने इसमें धनिया रख के आपको दिखाई है, हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें फूल रख सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में। आप इसको अपने स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेन्स मार्कर्स वगैरह रखने के लिए। या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये हमारी बास्केट ऑलमोस्ट डन ही हो गई है। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गई है ये मेरी बास्केट। ये लग रही है ना एक बेस्ट मटेरियल का परफेक्ट यूज। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर बास्केट लग रही है, और इसका जो शेप आया है, वाओ, सच में बहुत प्यारी बनी हुई है, नज़र नहीं हट रही से। आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए मुझे।